जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूँ पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, लास्ट क्लास में हमने जाना था कि सूरदास जी के बारे में, हमने विनय जो उनकी एक अंश था किसका, सुरसागर का, उसके बारे में हमने डिटेल जानी थी। अब हम इन पेसेज में बात करेंगे कि सूरदास जी एक्चुअल में कहना क्या चाहते थे। तो चलिए क्या कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अनंत रगत ही भावे। भैया ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कि गूंगा फल खा लेता है तो वह क्या है भैया, उसका रस खा तो लेता है, स्वाद तो कर लेता है लेकिन बता नहीं पाता है। ये सारी चीज़ें जानी थी। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजाए, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगती बिनु निरालम, कित धावे सब विधि अगम विचराही, ताते सुर सगुन लीला पद गावे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भैया इसके अंदर आपका प्रसंग। अगर आपने प्रसंग सही लिखा उसके बाद जितना आपने जोड़कर व्याख्या कर दी उसके नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने प्रसंग गलत लिखा तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रसंग में क्या होता है भैया, कवि का नाम, कविता का नाम, बुक का नाम, ये तीन चीज़ें बहुत मैटर करती है। देखिए प्रसंग, प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज। तो काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कि सर ये हमारी बुक का नाम तो अलग दे रखा है। तो भैया आपकी बुक जो भी है, आपके जहाँ भी आप जो भी यूनिवर्सिटी है अलग अलग बुक है, लेकिन ये टॉपिक अगर सूरदास जी का आया है तो यहाँ पर बुक का नाम चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी बुक का नाम लिख सकते हो। जहाँ से मैं ये करवा रहा हूँ, मैं CDLU की बुक करवा रहा हूँ, तो इसके अंदर मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित एवं भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा साकार ईश्वर की उपासना संधि पद के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित विनय नामक पदों से लिया गया है या उसमें से अवतरित है। ये चीजें अब बड़ा बड़ा आपने क्या करना है, ट्रेलर डालना है, यानी जो इसके अंदर दिया गया छोटा कम शब्दों में ट्रेलर, मतलब पिक्चर तो व्याख्या में करनी है या शॉर्ट में, कि उन्होंने इस पद में यह सिद्ध किया है कि ईश्वर का निर्गुण रूप सगुण की भांति तात्विक दृष्टि से सत्य ही है, किंतु निर्गुण ईश्वर की उपासना का उपाय सरल नहीं है, इसलिए कवि ने सगुणोपासना को ईश्वर प्राप्ति का सरल एवं सुगम मार्ग बताया। वो कहते हैं निर्गुण मतलब जिसने देखा ही नहीं ईश्वर के लिए, उसके लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि सुगुण सगुण जो होते हैं ना, जिसके बारे में हम जानते हैं, जो हमारे काम आएगा, उसकी भक्ति करना आपके लिए कहीं ना कहीं आसान रहेगा, ये बात कहना चाहते हैं। फिर बात करते हैं सूरदास जी ने व्याख्या में क्या कहा है, यहाँ हम व्याख्या के ऊपर बात करेंगे। कहता है अविगति गति कछु कहत, ये मैंने आपको बोल के बता दिया भैया, अब इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे कि अगर ये आता है तो आप किस तरीके से करोगे। कहता क्या है कि कविवर सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की गति अथवा उसके स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी हम नहीं जानते कि एक्चुअल में ब्रह्मा दिखता कैसा है, भगवान दिखता कैसे है। भैया हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, निर्गुण मतलब बिना जाने उसकी भक्ति करना एक तरीके से, समझ रहे हो। ठीक है, निर्गुण ब्रह्मा के स्वरूप को कोई नहीं जानता, उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा के संबंध में तथ्यों का वर्णन करना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार, यानी हम उसके बारे में जानते नहीं है भैया, यानी हम अनुभव तो करते हैं अपने अंदर लेकिन एक्चुअल में सही है ये बता नहीं सकते, मतलब खुद को तो फील हो जाता है, हम भक्ति करते हैं भगवान की, हमें पता है कि हम सही मार्ग पे हैं, लेकिन हम अपनी वाणी से दूसरों को बताना चाहें तो नहीं बता सकते। वही बात इसने जोड़ कर क्या कहा कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसकी मिठास को स्वयं अनुभव करता है, यानी वो खुद तो कर लेता है लेकिन बात आती है ना, परंतु जब दूसरों को बताने की, उसके स्वाद को किसी व्यक्ति को नहीं बता सकते, यानी दूसरों को नहीं बता सकता भैया। तात्पर्य यह है कि निर्गुण निराकार परमात्मा के संबंध में साधक स्वयं को तो अनुभव कर सकता है किंतु उसके विषय में किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं बता सकता, वह निर्गुण और निराकार ब्रह्मा मन और वाणी दोनों से ही अज्ञात रहता है। अज्ञात मतलब उसको जानकारी ही नहीं होती इस बात की। भैया अभिप्राय यह है कि न तो मन द्वारा उसका चिंतन किया जा सकता,
और न ही वाणी द्वारा उसका वर्णन किया जा सकता, यानी ना ही तो मन से मैं दूसरे लोगों को दिखा सकता हूँ, ना अपनी वाणी से दूसरे लोगों को बता सकता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसे तो वही समझ सकता है जिसके उसका अनुभव किया हो, यानी उस परमात्मा को केवल वही समझ सकता है जो खुद अनुभव करना सीख जाए, जो खुद अपने मन में बिठा लेना कहा हाँ भैया सच में परमात्मा है, तो भैया वही समझ सकता है। अगर मैं आपको ये, आपको मैं कहूँ ना भैया परमात्मा है, आप इसका ये करो, कृष्ण जी की भक्ति करो, फायदा होगा, ये होगा, आप कहोगे भैया तू रहने दे। तो यही तो बात कहना चाहते हैं, यही तो बात सूरदास जी कहना चाहते हैं कि भैया तुम लोग नहीं समझा सकते मूर्ख लोगों को, जिस दिन उन्हें खुद को अनुभव होगा ना उसी दिन ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि उसे तो वही समझ सकता है जिसने उसे अनुभव किया या उसको मानता है, इसके अतिरिक्त तो उसकी कोई मान्य देव पशु या राक्षस जैसी जातियां भी नहीं होती है, यहाँ पर ध्यान, जिसने उसका अनुभव किया हो, क्योंकि निर्गुण निराकार की न तो कोई शारीरिक रूपरेखा होती है, ना तो उसका कोई भैया शारीरिक मतलब बॉडी शोडी जैसी मेरी दिख रही है, ये देखो मतलब है ही है ना थोड़ी बहुत, हाँ तो ऐसी कुछ नहीं दिखती है, तथा न ही उसे त्रिगुणातीत या गुणों से पर माना जाता है, यानी ना ही तो उसमें कुछ गुण दिखते हैं, भैया मेरे में गुण तो है भैया बॉडी बॉडी दिखती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसकी कोई मान्य देव पशु या राक्षस जैसी जातियां भी नहीं होती, जैसे भैया मान लेते हैं ये पशु है, ये भैया इंसान है, ऐसे खुद की कोई जाति भी नहीं होती है, वो तो एक है भैया, पशुओं में भी है, इंसानों में भी है, सारों में है। ऐसी अवस्था में साधक का मन साधना करते हुए बिना किसी आधार के इधर उधर भटकता रहता है, कभी इधर कभी कृष्ण जी, कभी श्री राम, कभी शिव शंकर, ऐसे भटकता रहता है ना, तो वो किसी को नहीं मानता भैया, किसी को नहीं मानता, किसी साकार यानी आधार के अभाव में वह निराकार परमात्मा के प्रति अपने ध्यान को स्थिर नहीं रख पाता है, स्थिर मतलब एक जगह टिकाकर नहीं रख सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना को अगम्य विचार कर ही उसके सगुण साकार रूप को क्या कर सकते हैं भैया, उसका उपासना संबंधी पदों का गान किया जा सकता है। भैया तुम लोग अपने आप में विश्वास करो कि भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, बस लग जाओ भक्ति के अंदर, इतना ध्यान रखो कैसे कि प्रभु को देखो एक सुबाई, प्रभु को देखो एक सुबाई, अति गंभीर उदार उदी हरि जान शिरोमणि राई, तिनका सो अपने जन को गुण न मानत मेरु समान, सकुची गणत अपराध समुद्री बूंद तुल्य भगवान, वदन प्रसन्न कमल सन्मुख है देखत हो, हरि जैसे विमुख बहे अकृपया निमिष हूँ, फिरी जीतियो तो तैसे भगत विरह कातर करुणा में, डोलत पाछे लागे सूरदास ऐसे स्वामी को, देही पीठी सो अभागे। भैया देखो वैसे तो कुछ नहीं समझ में आया, समझ रहे हो, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली छोटे से करवा के निकल लूंगा तो भैया ना आपको मजा आएगा ना मेरे को कराने में मजा आएगा। ठीक है, हम टोटली जानेंगे कि हमें एग्जाम में लिखना कैसे एक्चुअल में, तो प्रसंग आपने देख ही लिया होगा कि जब ये आता है ना मेरे प्यारे साथी, तो इसका पहले तो है प्रसंग लिखना। प्रसंग के अंदर तीन चीजें मैटर करती है, मैं बताता हूँ, बुक, कवि और कविता का नाम। कहता है प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित एवं भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि, यानी कृष्ण जी में बहुत विश्वास करते थे सूरदास जी, द्वारा रचित विनय नामक पदों में से अवतरित है। कहाँ से भैया, विनय नामक में से, तीनों चीजें आ गई। अब यहाँ पर डालना अपने ट्रेलर, यानी इसके अंदर बड़ा बड़ा बताना क्या कि इन पंक्तियों में कवि ने जहां एक और श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता का अशोगान किया है, वहीं दूसरी ओर ईश्वर विमुख लोगों की वर्तसना, यानी एक तरीके से जो भक्ति कर रहे हैं उसके बारे में बताया, दूसरी तरफ ये जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके बारे में बताया। ठीक है, दोनों के बारे में बताया, तो चलिए अब व्याख्या जान लेते हैं भैया क्या बताया क्या नहीं बताया। ठीक है, कि प्रभु को देखो एक सुबाही, कवि कहता है कि भगवान श्री कृष्ण का मैंने एक सा स्वभाव देखा है, अर्थात वे अपने भक्तों के प्रति बड़े उदार हैं, वे बड़े ही गंभीर तथा उदारता के सागर में हैं। कहने का मतलब क्या है कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण है ना, वो सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार रखते हैं, एक जैसा सम्मान रखते हैं, वो अपने भक्तों का उदार करना चाहते हैं। ठीक है,
यही नहीं वे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है भैया, ये बात भी कहते हैं। भाव यह है कि उनके समान संसार में कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है, वे अपने भगत के तिनके के समान छोटे और तुच्छ गुण को भी सुमेरु पर्वत के समान महान मानते हैं। यानी जैसे सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा है ना भैया, उसी प्रकार क्या है, उसके थोड़ा सा भी गुण है ना उसके अंदर, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है भैया, तुच्छ मानकर उसकी, देखो कहाँ चले गए, तुच्छ गुण को सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं। उनकी उदारता जगत में प्रसिद्ध है, वे अपने भगत के सागर के समान विशाल अपराध को, यानी जितना बड़ा सागर होता है ना उतना बड़ा अगर किसी का अपराध है तो भैया उसको वो क्या कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी गुण है ना उसको देख लेते हैं कौन, श्री कृष्ण जी। कहता है सागर की तरह अपराध भी पानी की बूंद के समान तुच्छ मानकर उसकी कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर किसी इंसान में छोटे छोटे अगर कुछ अच्छी बातें हैं कुछ बुरी बातें हैं तो भैया वो क्या है, बुरी बातों पे ध्यान नहीं देते, वो उसके अच्छे गुणों को देखते हैं, ये बात कहते हैं सूरदास जी। फिर क्या कहते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों के बड़े बड़े अपराधों की अनदेखी कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भगत को देखकर प्रसन्न मुख हो जाते हैं, यानी उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उस समय भगवान का मुख कमल के समान खिल उठता है। भाव यह है कि वे अपने भगत को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो उठते हैं। यदि कोई भक्त किसी कारणवश उनसे रूठ या रुष्ट होकर विमुख हो जाता है, यानी रूठ जाता है एक तरीके, तब भी वे नाम मात्र के लिए उस पर क्रोधित नहीं होते। यानी ऐसा नहीं कि भैया इसने मेरे को छोड़ दिया, हमारा है ना एक दिन भी हमारा दोस्त काम ना आए हम तो गुस्सा हो जाते हैं उस पर, पापा ने आज ये नहीं किया भैया, गुस्सा हो जाते हैं। ये कहता कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान नहीं देते कृष्ण जी, ठीक है उस पर। कि जब भगत अपनी गलती को जानकर पुनः प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है, यानी एक बार चला गया दोबारा से जब वो अपनी गलती को स्वीकार कर कर वापिस आ जाता है ना भगवान की भक्ति में, तो वे पूर्ववत अपने भक्त पर प्रसन्न हो उठते हैं। तो वह क्या है कि दोबारा से अपने भक्त पर भैया प्रसन्न हो जाते हैं। सूरसागर पुनः कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि यदि भक्त कुछ समय के लिए प्रभु से दूर हो जाता है तो वे दयालु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमने लगते हैं। कि भैया मान लो मैं भक्ति करता हूँ श्री कृष्ण की और मैंने छोड़ दी, तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो मेरे से नफरत करने लगेंगे, नहीं, वो हमारा पीछा करते हैं फिर भी कि नहीं भैया तू कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन के लिए है सेट हो जाएगा, ठीक है, पीछे पीछे घूमने लगते हैं। वे पल भर के लिए भी अपने भक्तों से अलग नहीं होना चाहते। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के स्वामी श्री कृष्ण को जो पीठ दिखाता है ना भैया, जो श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान नहीं देता है ना, उससे विमुक्त हो जाता है, उस जैसा भाग्यहीन व्यक्ति इस पूरे संसार में नहीं होगा, कोई अन्य नहीं हो सकता। अगर आप इतना कुछ श्री कृष्ण के बारे में जानकर अब भी श्री कृष्ण अब भी राधे राधे जी श्री कृष्णा नहीं लिखते हो ना, तो आपसे बड़ा भाग्यहीन व्यक्ति इस पूरे संसार में नहीं होगा, समझ रहे हो ना। भाव यह है कि भगवान कृष्ण बड़े ही दयालु उदार सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और भक्त वत्सल है भैया, ये बात अपने सूरदास जी कहना चाहते थे इस पैसेज में। ये थे आज हम तीसरी में करेंगे कि जा दिन मन पंछी उड़ी जाए, ता दिन तेरे तन तरुवर के सवे पात झारी जहे, या देही को गर्व न करिए स्यार काग गिद खावे। भैया जिस दिन मर गए ना शरीर को क्या है कोए खाएंगे। तीननी में तन कुम क्रीमी के विष्टा के है काक उड़े, कहे वह नीर कहाँ वह शोभा, कहे रंग रूप दिखे, जिन लोगिनी सो नेह करत है तेई देखी गिनेहे। देखो क्या कहना चाहते हैं, बड़ा बड़ा बता देता हूँ, ये ट्रेलर बता देता हूँ, पिक्चर धीरे धीरे देखेंगे। यानी ये कहता है भैया इस शरीर के अंदर आत्मा है, जिस दिन ये आत्मा निकल गई तो आपका ये ताकतवर बॉडी दिख रही है कोई काम की नहीं है, तुम्हारे बेटे ही तुम्हें जला कर आएंगे, ठीक है, तुम्हारे घर वाले ही कहेंगे भैया जल्दी से इस शव को बाहर निकालो, बच्चे डर रहे हैं बदबू मारेगा, ठीक है, किस पर गुमान कर रहे हो भैया, दो मिनट श्री कृष्ण जी का नाम ले लिया करो ना। तो चलिए मेरे प्यार साथी इसी के साथ राधे राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं कि सर सबसे पहले क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट है प्रसंग, इसके अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, पुस्तक का नाम,
कवि का नाम और उसके द्वारा जो पद है उनका नाम, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित एवं भक्तिकालीन कृष्ण काव्य, यानी ये भी एक काव्य है जो हम आगे पढ़ेंगे सूरदास द्वारा, कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित विनय नामक पदों में से अवतरित है। अब आता है ट्रेलर। यहां कवि संसारिक प्राणियों को समझाते हुए कहता है कि जिस दिन मन रूपी पक्षी इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा, उस दिन प्रियजन भी उसके साथ कोई प्रेम नहीं रखेंगे। भैया जिस दिन प्राण निकल गए ना, तुम्हारे चाहने वाले तुझे भूल जाएंगे, ये बात कहना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्याख्या में। कविवर सूरदास जी कहते हैं, अब पिक्चर पे आ जाओ, कविवर सूरदास जी कहते हैं कि हे मन, जिस दिन प्राण रूपी पक्षी मतलब आपकी आत्मा उड़ जाएगा, उस दिन तेरे शरीर रूपी वृक्ष के सारे पत्ते जड़ जाएंगे। भैया जो गुमान करना ना तो अपनी सॉलिड बॉडी का सारी जड़ जाएगी। भाव यह है कि तुम्हारा संपूर्ण संसारिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगी, तेरी सारी खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। ये अंदर का जो पक्षी है ना, पक्षी ये जिस दिन उड़ गया, उस दिन तेरा ये जितना खूबसूरत सा चेहरा है ना, पड़ा होगा, समझ आओ कहाँ पड़ा होगा। इस शरीर पर घमंड मत करो, समझ में आया भैया, लाइक कर दो। इस शरीर पर घमंड मत करो, क्योंकि प्राण निकल जाने पर इसे गीदड़ कौवे और गिद्ध आदि खाएंगे, समझ गए। प्राण निकलने के पश्चात शरीर का तीन में से एक परिणाम होगा, यह मल बन जाएगा। मल बन जाएगा मतलब एक तरीके से समझ गए, मल मतलब वेस्ट मटेरियल बन जाएगा, या दबाए जाने पर सड़कर कीड़ों में बदल जाएगा, या जब मान लीजिए धरती में दबा दिया जाता है, मतलब यहाँ पर जला दिया तो भैया राख बन जाएगा, और अगर आपको अंदर दबा दिया गया तो आपको क्या कीड़े मकोड़े खाएंगे, आप कीड़ों में बदल जाओगे, या गिदड़ कौवे गिद्ध आदि द्वारा खाए जाएगा, ठीक है। बाहर नाक दिया तो आपको गिदड़ को भी खाएंगे, ठीक है। यह जलाने पर यह खाक बनकर उड़ जाएगा। ऐसा होने पर शरीर की वह क्रांति, वह सुंदरता तथा रूप रंग आदि कहाँ दिखाई देगा। भैया अगर ऐसी सिचुएशन आई तो तुम्हारा ये सुंदर दिखने वाला चेहरा है ना, कहाँ दिखाई देगा, समझ रहे हो ना बात को। अर्थात इसका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। जिन लोगों मात पिता पुत्र पत्नी आदि से तुम आज प्रेम करते हो ना, वही तुमसे घृणा करेंगे। भैया ये बात बहुत अच्छी कही है कि जिनके लिए तुम आज ये करने सोचो ना, मेरी पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, आज तुम भगवान का नाम तक नहीं ले रहे, बेवकूफ हो तुम, भगवान को छोड़ के जिस गृहस्थी में फंसे हुए हैं ना, दो मिनट भगवान के नाम में भी दे दिया करो, समझ रहे हो। क्योंकि एक दिन ना जब आप मरे होंगे, आपका शव घर में पड़ा होगा, तो यही कहेंगे भैया जल्दी ले जाओ, डरेंगे तुमसे घृणा करेंगे, समझ रहे हो। ये बात कहना चाहते हैं सूरदास जी, ठीक है। जो देखो मैं नहीं कह रहा, सूरदास जी जैसा कह रहे हैं मैं वैसा बता रहा हूँ। उम्मीद सर जानते हैं आज के इस पैसेज में क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी। कहते हैं कि घर के कहत सवारे काडो भूत होई दरिखेवे, कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर वाले कहेंगे भैया भूत है ये, निकालो, समझ रहे हो ना। अब तो भगवान का नाम नहीं ले रहे, राधे राधे जय श्री कृष्ण नहीं लिख रहे हो, अभी तो कॉमेंट में अभी तक नहीं लिखा ना। मरने के बाद भैया जिस पे गुमान करते हो ना, वही तुम्हें क्या कहेंगे। देखो जिन पुत्र नहीं बहुत प्रति पाल्यो देवी देव मना, यानी जिन बेटों को तुमने ना देवी देवताओं को पूज पूज कर प्राप्त किया है ना, वही तुम्हें मरने के बाद जलाकर आएंगे। ये बात कहना चाहते हैं कि तेई ले खोपरी बांस दही, खोपरी मतलब तुम्हारा खोपड़ी वही फोड़ेंगे एक दिन। शीश फोरी बिखरे अजऊ मुड़ करो सतसंगति, भैया तुम लोग क्या करो, सतसंगति कर लो, संतों के साथ टोली बना लो। सतनी ते कछुपे है मतलब कुछ तो हक आएगा आपको। नर बपु धारी नाही जन हरी के जमकी मार सुख है, सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सु जन्म गवे। भैया व्यर्थ है, अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो तुम्हारा पूरा जीवन ही व्यर्थ है, ये सूरदास जी कहना चाहते हैं। ये तो भैया ट्रेलर। अभी हम पिक्चर देखेंगे, तो सबसे पहले आता भैया प्रसंग। प्रसंग के अंदर मैंने तीन चीजें बताई है,
पुस्तक का नाम, कवि का नाम और कविता का नाम, ये तीन चीजें इंपोर्टेंट होती है, उसके बाद में जो मर्जी लिख दो। कहता है प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित एवं भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित विनय नामक पदों में से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्यों को संसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान का भजन करने की प्रेरणा दी है कि भैया सब कुछ छोड़ दो, धरा का धरा रह जाएगा, दिन में क्या है भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। चलो अब जानते हैं सर पिक्चर क्या कहना चाहती है। ठीक है, ट्रेलर तो हमने देख लिया, पिक्चर भी देख लेते हैं कि कवि कहता है कि मृत्यु के पश्चात घर के सभी लोग यह कहेंगे कि इसे जल्दी से घर से बाहर निकालो, नहीं तो यह भूत प्रेत बनकर घर के लोगों को खाएगा। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि जल्दी जब आपकी डेथ हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा आपकी डेथ हो जाती, कहने का मतलब मान लो हमारी डेथ हो जाती है, समझ रहे हो ना, तो हमारा शव जब होगा घर पर तो हमारे घर वाले ही हमसे कहेंगे कि भैया इसको जल्दी ले जाओ अदरवाइज ये भूत बनकर यहाँ ढोलेगा। जिन पुत्रों को तुमने लालन पालन किया था और उनकी कुशलता के लिए देवी देवताओं की मनोती मांगी थी, मनोती मतलब भगवान से मांगा था कि मेरा बच्चा अच्छा रहे, अच्छा हो, वही क्या करेंगे, देखो वही तुम्हारी खोपड़ी पर बांस मारकर कपाल क्रिया करेंगे, यानी उसे फोड़कर बिखेर देंगे, तुम्हारी खोपड़ी एक दिन वही फोड़ेंगे। अरे मूर्ख, अब देखो ये मूर्ख ऐसा लग रहा है इनको पढ़ने के बाद ना मेरे को बोल रहा है एक तरीके से कि अरे मूर्ख अभी भी तुम संतों की संगति कर लो, क्योंकि संतों से ही तुम्हें कुछ प्राप्त होगा, कम से कम ज्ञान तो मिलेगा, सद्बुद्धि तो मिलेगी। भैया ये बात कहना चाहते हैं, तुम्हें कुछ प्राप्त होगा मानव शरीर धारण कर कर। जो व्यक्ति भगवान का भगत नहीं होता उसे यमराज की मार खानी पड़ती है। भैया सीधी सी बात कर रहा है कि मरने के बाद ना फिर यमराज के यहां भी तंग हो, ऊपर जाकर भी तंग, कुछ तो अच्छे कर्म कर लो ताकि कम से कम जीवन में एक बार ही तंग हो। कविवर सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना मानव का जीवन व्यर्थ है भैया, नष्ट हो जाएगा। कहने का भाव क्या, देखो कि जब तक मानव जीवित है उसे ईश्वर का भजन करना चाहिए, मरने के बाद उसकी दुर्गति नहीं होगी। भैया जब तक जीवित हो ना, ये नहीं कहता भैया तुम काम करना छोड़ दो, ये कहता भैया 24 घंटे होते हैं, कुछ पल अपने भगवान को भी तो दे दो ना, उसकी भी भक्ति कर लो यार, पूरा दिन रात भागते रहते हो, बीवी बच्चे घर धन दौलत माया, कुछ टाइम यार उसको भी दे दो ताकि एक अच्छा कर्म होगा, कुछ पुण्य का कार्य कर लो। तो भैया बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, कहता प्रभु हो सब पत्नी पतितन को टीको और पतित सब दिवस चारी के, हो तो जन्मत ही को बधिक अजामिल गणिक गणिका तारो और पूतना ही को, मोही छोड़ी तुम और उदारे मिटे सूल क्यों ही जी को, को न समर्थ अग करीवे को खेच कहत होली को, मरियत लाज सुर पतितनी में बहुते को नीको। भैया कुछ नहीं, नीको पीको चीको क्या बोला हमें नहीं पता चला, ये तो वो लैंग्वेज है जिसको हमें नहीं समझना है, हम बात करेंगे भैया मेन पॉइंट पर। तो सबसे पहले ये पद जो है वो विनय पत्रिका से लिया, विनय से लिया गया है मेरे प्यारे साथी, विनय पद से लिया गया है, सूरदास द्वारा लिए गए हैं, ठीक है। और इसको देख लो अच्छे से भैया, इसमें बात क्या की गई कि जिस तरीके से भैया श्री कृष्ण ने पूतना और इन सब का उद्धार किया था, उसी तरह मेरा भी उद्धार कर दो, मैं भी पापी हूँ मेरा भी उद्धार कर दो, ये बात कहना चाहते हैं। तो बात करेंगे प्रसंग, प्रसंग में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मेरे प्यारे साथी, क्या, पुस्तक का नाम, कवि का नाम और कविता का नाम, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो प्रस्तुत पद हिंदी के पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित, यहां भैया आगे नहीं आया, संकलित कबीर सूरदास जी से द्वारा रचित है, विनय नामक पदों से अधिकृत है, यह पद भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारक के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित है। भैया बात वही है, घुमा कर लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ कविवर सूरदास जी सभी को सबसे बड़ा पापी सिद्ध करते हैं, खुद को पापी मानते हैं। भैया क्यों कहते हैं पापी, ताकि वो कहते हैं कि जिस तरह के तुमने पापियों का उद्धार किया कि पूतना को मारकर अपने उद्धार कर दिया, वैसे मैं भी पापी हूं, मैं भी मूर्ख हूं, मैं भी नीच हूं, गंद हूं, मैं भैया सारा कुछ हूं, मैं भी संतों की टोली में नहीं जाता, भगवान श्री कृष्ण जी तुम मेरा भी उद्धार कर दो, ये बात कहना चाहते हैं, ठीक है। और ईश्वर से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं। तो बड़ा बड़ा तो समझ में आ गया भैया कहना क्या चाहता है। अब बाकी पिक्चर देख लेते हैं, ट्रेलर से थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया कि
कवि कहता है कि हे प्रभु मैं सब पापियों से बढ़कर हूं। यानी इसने कहा भैया तुम राक्षसों का वध करके उनका उद्धार कर रहे हो ना, मैं उनसे भी बढ़कर हूं, तुम मेरा उद्धार कर दो। ये बात कहते हैं, अर्थात मैं सबसे बड़ा पापी हूं, अन्य पापी लोग तो 4 दिनों अर्थात थोड़े समय के लिए पापी हैं, लेकिन मैं तो जन्म जात पापी हूं भैया, जब से जन्मा हूं ना, जब से जन्म लिए इस धरती पर तब से भी पापी हूं भैया, लोग तो बाद में मूर्ख बनते हैं। हे प्रभु आपने बदिक को, अजामिल को, ब्राह्मण को, गणिका को, वेश्या तथा पूतना राक्षसी आदि का उद्धार किया था, तुमने इतने इन इन लोगों का भैया इन सारों को उद्धार कर दिया, इन सारों को क्यों? क्योंकि ये भैया क्या थे? पापी थे, और मैं भी पापी हूं तो मेरा भी तो उद्धार कर दो ना। ये बात कहते हैं, और उनको भव सागर से पार उतार दिया, मुझे छोड़कर आपने सभी का उद्धार कर दिया, अतः मेरे हृदय की पीड़ा कैसे दूर हो सकती है। तात्पर्य यह है कि आपने अन्य पापियों का तो कल्याण कर दिया, लेकिन मेरा क्या? मेरा कल्याण नहीं किया तुम लोगों ने, मैं पापी दिखा नहीं क्या तुम्हें? कृष्ण जी से सूरदास जी कहना चाहते हैं, मैं यह बात लकीर खींच कर कहता हूं, मैं भैया ये बात लकीर खींच कर कहता हूं कि मेरे बराबर संसार में कोई पाप करने में समर्थ नहीं है। यानी आपको नीचा दिखा रहा है खुद को, क्योंकि ये चाहता है कि मुझे श्री कृष्ण मेरा उद्धार कर दें, इसलिए खुद को सबसे नीचा बता रहा है। कहता भैया अगर मैं लीक खींच के कहता हूँ भैया मेरे से बड़ा पापी संसार में भी नहीं है, तुम लोगों ने मेरा उद्धार नहीं किया। ठीक है, अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो इस शर्म से मरा जा रहा हूं कि पापियों में मुझसे बढ़कर और कोई पापी ही नहीं है। भाव यह है कि पापी होने के कारण और कोई भी मुझसे पहले पार उतारे जाने का अधिकारी नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं, अतः मेरा भी क्या कर दो? उदार कर दो। भैया बहुत अच्छे है, जोड़ जोड़ कर बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, मजा आ जाएगा करने में यार, कसम से कहता हूं इस बात को। कहता मोसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहा छिपी करुणान में सबके अंतर्यामी, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसा नॉन हरामी भरी भरी द्रोह विष को धावत, जैसे सुकर ग्रामी सुनी सत्संग होत जिए आलस, बिसयेनी संग विश्रामी श्री हरि चरण छोड़ी, विमुखन की निसी दिन करत गुलामी, पापी परम अधम अपराधी सब पति तनि मैं नामी, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनियो श्रीपति स्वामी। देखो सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं इसमें, वो कहते भैया मैंने पूरी जीवन अपने घर गृहस्थी में निकाल दिया, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैंने आपका नाम लिया, मैं कभी संतों की टोली में नहीं गया, मेरे जैसा बड़ा पापी नहीं है भैया, मेरा क्या कर दो? उदार कर दो। ये श्री कृष्ण जी से ये बातें कहना चाहते हैं, घरों में धन दौलत माया में इन सारों में फंसा रहा हम। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथी, इससे पहले हम बात करेंगे प्रसंग के ऊपर। प्रसंग में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पुस्तक का नाम, कवि का नाम और पद का नाम, तीनों चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रस्तुत पद हिंदी के पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित एवं सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित विन्य नामक पदों में से अवतरित है। इस पद में करके भैया ये थोड़ा गया, पापों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना, इसमें क्या करता है सूरदास जी, क्या गया थोड़ी सी मिसप्रिंट है भैया, इसमें क्या है, मैं अपने पाप को क्या है क्षमा करने के लिए बोलता, अभी मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने जीवन भर आपका नाम नहीं लिया, मैंने जीवन भर घर गृहस्थी में निकाल दिया, धन दौलत माँ पुत्र बेटी इन सारों में निकाल दिया, कभी आपका नाम लेने का मेरे को वक्त ही नहीं लगा, ये बात कहना चाहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी व्याख्या में बात करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट क्या कहना चाहते हैं कि महा कवि सूरदास जी प्रभु के समक्ष आत्म निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मेरे समान चंचल पापी एवं विषय वासनाओं में संलिप्त कौन होगा, हे करुणामय श्री हरि आपसे तो मेरी कोई बात छुपी ही नहीं रह सकती। भैया मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूँ, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ इस संसार के अंदर। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, क्योंकि आप तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हो, मैं तो ऐसा नमक हराम समझते हो, ऐसा नमक हराम हूं कि जिस प्रभु ने मुझे यह सुंदर शरीर दिया है, ये सुंदर शरीर दिया, ये अच्छा जीवन दिया, मैं उसको ही भूल गया, मैंने उसी को ही भुला दिया,
मैं गांव के सुअर की भांति मल रूपी विषय वासनाओं का भोग करता रहता हूं और अपना पेट भरकर भी उन्हीं की ओर बार बार दौड़ता रहता हूं। सत्संगति की बातें सुनकर मेरा मन आलस्य से भर जाता है। यानी जब सत्संग की बात आती है ना, तो भैया मेरा मन क्या है, आलस्य से भर जाता है। और विषय वासनाओं में लिप्त पापियों की संगति में मुझे आनंद आता है। और मीठी मीठी बातें करने में, बुराइयां करने में, इन सारी चीज़ों में मेरे को क्या आता है भैया, आनंद आता है। मैं श्री हरि के चरणों को छोड़कर ईश्वर विमुख लोगों की दिन रात गुलामी करता रहता हूँ। ठीक है, मैं परम पापी और नीच अपराधी हूँ। मैं सभी पापियों में अपने पाप कर्मों के लिए प्रसिद्ध हूँ। भैया मेरे से बड़ा पापी संसार में कोई नहीं, ये सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि आप तो पापियों का उद्धार करने वाले हो, जैसा हमने पहले पढ़ा है। इसलिए हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मेरा भी आप क्या कर दीजिए, उद्धार कीजिए। आपने पुतना राक्षसी का क्या किया, उद्धार किया, भैया वो पापी थी इसलिए तो मैं तो उससे भी बड़ा पापी हूँ। यानी खुद को नीच बताता है कौन, सूरदास जी, ताकि इसका उद्धार हो जाए। तो क्या कहते हैं, बात करते हैं कि जन्म सिरानी अटके अटके राज काच सुत बीत की डोरी बीनू विवेक फियो भटके कठिन जो गांठी परी माया की तोरी जात न झटके ना हरि भक्त ना साधु समागम रहो बीच ही लटके जो बहु कला काची दिखरावे लोभ न छूटे नर के सूरदास शोभा क्यों पावे पिए बिहिन धनी मटके। भैया यहाँ पर इस पैसेज में क्या कहना चाहते हैं, सूरदास जी कहते हैं भैया मैं तो क्या है, मैं तो फंसा हुआ हूँ किसके अंदर, किस में फंसा हुआ हूँ भैया, माया के जाल में फंसा हुआ हूँ। मेरे को टाइम कहाँ लगा कि मैं तेरे में ध्यान लगा पाता, भैया मैं तो सारी जिंदगी माया के चक्कर में फंसा रहा, धन दौलत बेटा बेटी माया माँ बाप गृहस्थी रुपए कमा लिया, ये आया वो ले आया फलाना दिखड़ा, भैया टाइम ही नहीं लगा कि मैं तेरे अंदर ध्यान लगा पाता, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। चलिए मेरे प्यारे साथी इस पर बात करें, लेकिन इससे पहले हम प्रसंग पर बात कर लेते हैं कि प्रसंग में क्या कहना चाहते हैं। कि सर प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित एवं भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित विनय नामक पदों में से अवतरित है। इस पद में कवि ने प्रभु भक्ति के बिना जीवन को निरर्थक सिद्ध किया है और मानव को प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित किया है। ये हमारा था प्रसंग मेरे प्यारे साथी। और अब हम बात करेंगे मेन पिक्चर की, यानी एक्चुअल में व्याख्या में क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी। तो चलिए मेरे प्यारे साथी बात करते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि इधर उधर भटकते हुए बिना किसी अभीष्ट के सारा जीवन व्यतीत हो गया, अर्थात मेरा सारा जीवन व्यर्थ में चला गया क्योंकि मैंने तेरा ध्यान नहीं लगाया। मैं राज कार्य पुत्र धन और यश रूपी डोरी में बंधा हुआ विवेकहीन होकर यहाँ वहाँ भटकता रहा। भाव यह है कि मैं संसारिक मोह माया का शिकार बना रहा। मोह माया की ऐसी कठोर गांठ बन गई मेरे अंदर कि जो झटका देने पर टूटती नहीं है, भैया नहीं टूटती, ऐसी गांठ में फंस चुका था मैं, ठीक है, और न ही चटकती है, अर्थात मोह माया तथा अविद्या का आवरण हटता नहीं। मैं जीवन भर न भगवान की भक्ति कर सका और न साधु संतों की संगति कर सका, बल्कि मैं जीवन भर बीच में ही लटका रहा। मेरी स्थिति तो ऐसी है कि दुविधा में दोनों क्या है गए, माया मिली न राम, संसार का विस्तार वाजीगर के जादू के समान है। जिस प्रकार वाजीगर संसार में अनेक कलाएं दिखाता है तथा लोभ और आस्ति से मुक्त नहीं हो पाता। कहने का मतलब क्या है भैया कि मैंने जीवन भर आपका नाम नहीं लिया, जिस माया के चक्कर में पड़ा रहा वो माया भी मेरे मरने के बाद मेरे साथ तक नहीं गई। अगर तेरा नाम लिया होता ना तो कम से कम तू तो साथ जाता ना, एक तरीके से तेरी पास चला जाता, अच्छी जगह चला जाता, कर्म अच्छा होता। जिसको कमाने के लिए मैंने पूरा जीवन दाम पर लगा दिया, तुझे भूल गया, वो भी मेरे साथ नहीं गया, साला मूर्ख हूं मैं इस जीवन के अंदर, ये बात कहना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। कि जिस प्रकार बाजीगर संसार में अनेक कलाएं दिखाता है, हमें पता है भाई बाजीगर
तथा लोभ और आस्ति में ही से मुक्त नहीं हो पाता, उसी प्रकार मैं भी मोह माया का शिकार बना रहा, भैया मोह माया में फंसा रहा। अंत में कविवर सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बिना पति के हाव भाव फीके होते हैं और सौंदर्य उसे शोभा नहीं देता, उसी प्रकार भक्ति के बिना मानव जीवन व्यर्थ है, बेकार है। भैया कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति के बिना राजपाट, पत्नी, पुत्र आदि का सुख सारहीन है, मतलब खत्म है एक तरीके से। सच्चा सुख तो क्या है, भगवत भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। अगर आप चाहते हो ना जीवन में एक अच्छा सुख आपको प्राप्त हो, तो भाई भक्ति भावना से ही आपको प्राप्त हो सकता है, भगवान का गुणगान कर कर ही आप प्राप्त कर सकते हो। अगर अच्छा मेरो मन अनंत कहो सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आए, के जैसे पंछी जहाज से उड़कर जाता है ना वापस वहीं पर आ जाता है, वही बात कहते हैं कि कमल नैन को छाड़ी महात्म उस देव को ध्यावे, परम गंग को छोड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। भैया क्या है कि गंगा को बहती हुई छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, क्या बात है भैया। जिही मधुकर अबुज रस चाक्यो क्यों करील फल भावे, जिसने भैया क्या है मीठे फल अबुज रस चाक्यो है वो भैया दूसरा फल क्यों खाएगा। सूरदास प्रभु काम देनु तजी छेरी कौन दुआवे, भैया जिसने काम देनु गाय को दुआ है वो भैया बकरी को क्यों दुएगा, क्या बात कही है सूरदास जी ने। ये तो था ट्रेलर, पिक्चर अभी और देखते हैं। भैया कहता है प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित विनय नामक पदों में से अवतरित है, इसके कवि सूरदास जी हैं। इसमें कवि ने प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा व्यक्त की है, और क्या कहा भैया, कवि प्रभु को ही अपना जीवन आधार मानता है। अब बात करते हैं व्याख्या की, मेन बात करते हैं जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा था कि कहना क्या चाहता है कि महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरा मन आपको छोड़कर और कहाँ सुख पा सकता है, भैया आपके सिवा मुझे सुख की प्राप्ति कहाँ हो सकती है, अर्थात मेरे मन को तो आपके चरणों में लीन रहने में ही अपार सुख मिलता है, मेरी दशा तो जहाज पर बैठे हुए उस पक्षी के समान है जो यदि जहाज को छोड़कर उड़ भी जाता है तो लौटकर उसी जहाज पर आ बैठता है, अर्थात यदि कभी मेरा मन आपके ध्यान को छोड़कर और कहीं चला भी जाता है ना तो पुनः वापस लौट कर आ जाता है, ठीक है, छोड़कर भटक भी जाता है तो शीघ्र ही लौट कर फिर आपके ध्यान में लग जाता है। हे कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण, हे कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण, आप जैसे महिमावान प्रभु की भक्ति छोड़कर किसी अन्य देवी देवता में ध्यान लगाना तो उस प्रकार की मूर्खता कही जाएगी जैसे एक प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए पास बह रही गंगा को छोड़कर कुआं खोदने का प्रयत्न करे। यानी अगर मैं आपको छोड़कर किसी और की भक्ति में जाता हूँ तो ये तो वही बात होगी जो एक प्यासा व्यक्ति पास बह रही गंगा को, पवित्र गंगा को छोड़कर पानी की प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवा रहा है, भैया ये तो वो बात हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य यह है कि गंगा जल से प्यास बुझाने की अपेक्षा कुआं खोदना जैसे दुर्बुद्धि है यानी मूर्खता का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार आपकी ध्यान को छोड़कर अन्य देवी देवता की भक्ति करना मूर्खता ही होगी। हे प्रभु जिस साधक रूपी भंवरे ने आपके भक्ति रूपी कमल रस का पान कर लिया हो फिर उसे करील के फल का कड़वा रस क्यों अच्छा लगेगा। अभिप्राय यह है जिसने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद प्राप्त कर लिया फिर वह अन्य देवी देवता की भक्ति क्यों करेगा। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपकी भक्ति तो काम धेनु गाय के समान है, आनंददायिनी है और सभी काम कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, अतः कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा आपकी भक्ति रूपी काम धेनु को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता भक्ति में या बकरी को धोने का प्रयास करता है। कहने का मतलब काम धेनु गाय को छोड़कर बकरी को धोने की बात करेगा भैया, यानी आपको छोड़कर अन्य देवी देवताओं में जाएगा, मूर्ख व्यक्ति ही होगा। अगर बात समझ में आई तो भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय श्री कृष्ण एक बार लिख दीजिए। अब बात करेंगे भैया ये है सब्सक्राइबर बटन, अच्छे से समझ में आए तो भैया सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हो PDF नोट्स लेना तो भैया ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहो मुस्कुराते रहो। जय हिंद जय भारत मेरे प्यार साथी।